Radio Union, a flavor life. www.radiounion.com. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजी दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इस साल का यानी कि 2021 का ये पहला एपिसोड है वोकैबुलरी डोज का। वैसे तो ये 200 एपिसोड है और इसमें हम बात करेंगे 16 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, पर इस साल का पहला एपिसोड है। तो पहले तो आप सभी को यानी कि रेडियो उड़ान और वोकैबुलरी डोज के सभी लिसनर्स को दिल खोल के वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर 2021। मुझे उम्मीद है कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे और आपकी सेहत भी अच्छी रहे और आप जहां भी जो भी करना चाहते हैं वो बिल्कुल सही से हो जाए। तो दोस्तों, आज इस एपिसोड में जैसे मैंने बताया, बात करेंगे हम 16 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। तो चलिए, अगर आपने अभी तक हमारा जो YouTube चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, रेडियो उड़ान है, और वहां पे बेल बटन जरूर हिट कीजिएगा ताकि कोई भी एपिसोड किसी भी शो का मिस ना हो। तो अभी के लिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, ये लर्निंग सेशन शुरू होने वाला है कुछ ही चंद मिनटों में। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। उफो पापा, कहाँ जा रही हूँ? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? उफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है, अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं आप किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 200 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, एंड एज आई टोल्ड यू, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द फर्स्ट वर्ड। तो जो पहला वर्ड है इस शाम का वो है श्रीट, श्रीट, एस एच आर आई ई के ई डी, श्रीट, एस एच आर आई ई के ई डी, श्रीट, यानी कि दोस्तों अटर्ड इन अ श्रिल स्क्रीम एज ऑफ पेन और टेरर, कोई डर के या दर्द में चीखे मारता है, जोर के चिल्लाता है, तो उसको हम कहते हैं श्रीक, एस एच आर आई ई के, और अगर पास में तो ई डी लग जाएगा, श्रीक्ड। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा। डॉली श्रीक्ड व्हेन शी फाउंड अ ग्रेट जायंट स्पाइडर इन हर बेड। जब डॉली ने देखा कि उसके बेड पे एक स्पाइडर था तो उसको देख के वो बहुत जोर के डर के चिल्लाई, सो शी श्रीक्ड, क्लियर। तो चलिए, द नेक्स्ट वर्ड यानी कि द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज रैम्बल, रैम्बल, आर ए एम बी एल ई, रैम्बल, रैम्बल यानी कि दोस्तों स्पीक कॉन्टिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम विद टू मैनी डिटेल्स और डिफरेंट टॉपिक्स। जी हाँ, अगर बहुत देर तक आप लगातार बातें करी जा रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे बातें करी जा रही है, या किसी बात के बारे में छोटी छोटी डिटेल्स बताई जा रही है, तो लंबी चौड़ी बात, तो उसको हम कहते हैं रैम्बल करना। जैसे You should not ramble during a job interview. Try to keep your answers concise and relevant. मतलब जब आप इंटरव्यू में जाते हो, आपने कोई ना कोई इंटरव्यू दी होगी, या अगर आगे दोगे तो ये टिप समझ लीजिए, तो वहां पे लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी है। कोई भी चीज अगर आप बता रहे हैं अपने बारे में भी, उसको शॉर्ट रखिए, क्रिस्प रखिए। सो यू शुड नॉट रैम्बल, ठीक है, रैम्बल यानी कि लंबा लंबा बताना, डिटेल में जाके बताना नहीं, ब्रीफ रखो, टू द पॉइंट रखो, रेलेवेंट रखो। सो यू शुडंट रैम्बल ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू, ट्राई टू कीप योर आंसर्स कंसाइज एंड रेलेवेंट। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज स्टटर, स्टटर, जी हाँ दोस्तों, स्टटर, एस टी यू डबल टी ई आर, स्टटर, एस टी यू डबल टी ई आर, स्टटर यानी कि स्पीक हॉल्टिंगली, मतलब जब आप रुक के बीच में कई बार रुक के बोलते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टटर। तो स्टैमर नहीं होता, स्टैमर तो अलग चीज होती है कि आप थोड़ा सा रुक रुक, मतलब वो आप हर वर्ड पे आप रुक रुक के बोल रहे हैं, तो तुतला के बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा स्टैमर होता है, पर ये स्टैमर नहीं, ये स्टटर, मतलब आप
जान के रुक के बोल रहे हैं बीच में, तो उसको हम कहते हैं स्टटर, स्पीक हॉल्टिंगली. जैसे द स्पीकर स्टटर्ड व्हेन ही सॉ हिज ओपोनेंट एंटर द रूम. मतलब सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो स्पीच दे रहा है, उसने देखा कि जो उसका दुश्मन है यानी कि उसका जो ओपोनेंट है वो एंटर कर रहा है हॉल, तो वो उसको देखे एकदम से रुक गया. तो कुछ सेकंड के लिए आप रुक जाते एकदम से किसी को देख के, तो दैट मींस यू स्टटर. क्लियर? तो चलिए, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर है. बट अगेन लाइक ऑलवेज इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज रीच मी. तो चलिए, अभी द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज स्नैप एट. ये एक फ्रेज हो गया काइंड ऑफ, स्नैप एट, SNAP, स्नैप अलग से एट, ATT, स्नैप एट, ये इकट्ठी होगा वर्ड यूज हमेशा, स्नैप एट. यानी कि दोस्तों स्पीक इरिटेबली और abruptly टू समवन. मतलब किसी को आप एकदम से बोल रहे हैं कुछ, या तो तंग होके या फिर आप एकदम से बिना किसी, मतलब जैसे होता ना कि एकदम से आप इरिटेट हो गए, आप किसी से एकदम से चिल्ला के कुछ बोल दिया, तो यू स्नैप एट देम. As in the teacher was always snapping at the children. मतलब वो एकदम से टीचर जो था वो हमेशा एकदम से उनपे बोलने लगता था इरिटेटिंगली. मतलब इरिटेट होकर एकदम से बोलना, तो कोई व्यक्ति एकदम से आपको कुछ बोलने लगे इरिटेट होकर या अब्रप्टली बिना किसी चीज के बोलने लगे, तो उसको हम कहते हैं स्नैप एट. जैसे when I asked him about his job, he didn't say anything. But later that evening, he just snapped at me. मतलब कि वो इरिटेट होकर उसको कुछ कुछ बोलने लगा, तो स्नैप एट. क्लियर? यू गॉट द सेंस, राइट? तो दोस्तों, दीज वर द फोर वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 200 एपिसोड. तो चलिए, आपकी आसानी के लिए हमेशा की तरह हम एक जल्दी से रिकैप ले लेते हैं. तो चलिए, द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज श्रीक, SHRIEKED, श्रीक. मैंने आपको बताया था श्रीक यानी कि अटर्ड इन अ श्रिल स्क्रीम एज ऑफ पेन और टेरर. डर के या दर्द में आप जब चीख मारते चिल्लाते हैं तो उसको हम कहते हैं श्रीक. जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, डॉली श्रीक व्हेन शी फाउंड अ जॉइंट बिग स्पाइडर इन हर बेड. मतलब जब डॉली ने अपने बेड पे एक बड़ा सा स्पाइडर देखा तो वो डर गई, सो शी, उसने चिल्लाया, सो शी श्रीक, SHRIEKED, श्रीक. और यहाँ पे एक और वर्ड है, पहले नहीं बताया, अभी बताती हूँ, जॉइंट, GIANT, जॉइंट. तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बताती हूँ, जॉइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है, जॉइंट. सो व्हेन शी सॉ अ जॉइंट स्पाइडर ऑन हर पिलो या इन हर बेड, शी श्रीक्ड, SHRIEKED, श्रीक्ड. क्लियर? तो चलिए, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज रैम्बल, RAMBLE, रैम्बल. यानी कि बताया था स्पीक कंसिस्टेंटली या कॉन्टिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम विद टू मेनी डिटेल्स या डिफरेंट टॉपिक्स. मतलब जब आप किसी चीज के बारे में डिटेल में ज्यादा के लंबा चौड़ा खींच के बात कर रहे हैं या फिर आप अलग अलग चीजों की बातें कर रहे हैं देर तक, तो उसको हम कहते हैं रैम्बल करना. जैसे ये टिप समझिए या एक एग्जाम्पल तो ले ही लीजिए इसे, यू शुड नॉट रैम्बल ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू, ट्राई टू कीप योर आंसर्स कंसाइज एंड रेलिवेंट. मतलब जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको लंबी चौड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, छोटा रखिए पर उसको बिल्कुल टू द पॉइंट रेलिवेंट रखिए. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ रैम्बलिंग, यू शुड नॉट रैम्बल ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू. क्लियर? तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज स्टटर, स्टटर, STUTTER, स्टटर. तो स्टटर का मतलब होता है स्पीक हॉल्टिंगली, रुक के बोलना. कभी आप रुक के बोल रहे हैं तो उसको हम कहते हैं, जब आप जान के रुक के बोलते हैं उसको हम कहते हैं स्टटर करना. ये स्टैमर नहीं होता, स्टैमर होता जब आपको आपकी आवाज में थोड़ी सी तुतलापन है, आप थोड़ा सा रुक रुक के बोल रहे हैं, वो एक अलग चीज है, उसमें आपका कंट्रोल नहीं होता है. बट ये होता है कि जब आप जान बुझ के रुक के बोलते हैं या रुक जाते हैं बीच में बोलते बोलते, तो उसको हम कहते हैं स्टटर. क्लियर? तो आई होप आई could able to you know differentiate between stutter and stammer, but again if you have any doubt you can always reach me. To abhi ke liye jo stutter hai iska matlab maine bataya speak haltingly, aur example main aapko deti hu, the speaker stuttered when he saw his opponent enter the room. Matlab jo speaker hai wo ekdam se ruk gaya jab usne dekha ki jo uska dushman hai opponent hai wo enter kar raha hai room, so he stuttered. Hota nahi kai baar aisa. To chaliye, the fourth word for the evening was snap at. ये एक phrase था kind of, so snap at, SNAP, snap अलग से ATT, snap at. यानी कि speak होता ना irritably और abruptly to someone. मतलब जब किसी से बात करते हैं एकदम से इरिटेट होकर, तंग होके या एकदम से बात करते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्नैप एट करना. जैसे द टीचर वॉज ऑलवेज स्नैपिंग एट द चिल्ड्रन. मतलब बच्चों पे एकदम से कभी भी कुछ भी बोल देना, डांट देना, जोर जोर की बोलने लगना कुछ भी, तो एकदम से स्नैप एट करना. ठीक है? क्लियर?
तो चलिए, दिस वर द फोर वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 200 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो चलिए जल्दी सीख लेती हूँ ब्रेक में। आरजे दिव्या शर्मा सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग, स्टे अपडेटेड। चली है ठहरी थी जो तेरे आ जाने
हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफर लेके आया है, जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपये से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से, तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से, तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी। तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए, क्योंकि ऑफर लिमिटेड समय तक है। थैंक यू। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 200 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी जोस, एंड टुडे वी आर अगेन टॉकिंग अबाउट 16 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो चलिए, द फिफ्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज बॉक। बॉक, BALK, बॉक। आई रिपीट, BALK, बॉक, यानी कि हेजिटेट करना और बी अनविलिंग टू एक्सेप्ट एन आइडिया और अंडरटेकिंग, कुछ करने से या कोई आइडिया मानने से हिचकिचाना, या फिर आप अपनी विलिंगनेस ना दिखाना कि थोड़ा सा आपको हिचक हो किसी चीज को करने को या एक्सेप्ट करने को, तो उसको आप कहते हो बॉक। जैसे ही बॉक एट सच अ ड्रास्टिक सॉल्यूशन, मतलब किसी ने कोई सॉल्यूशन दिया तो टीम मेंबर्स में से एक टीम मेंबर बॉक एट इट, मतलब उसने हेजिटेंस दिखाया कि नहीं नहीं हम मुझे नहीं लगता है करना चाहिए। सो ही बॉक एट इट, ठीक है। बॉक यानी कि हेजिटेट करना कोई चीज एक्सेप्ट करने से या कोई चीज करने से, क्लियर। तो चलिए, द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल, जी हाँ दोस्तों, मर्क्यूरियल, MERCURIAL, मर्क्यूरियल। आई रिपीट, MERCURIAL, मर्क्यूरियल, यानी कि दोस्तों लाइबल टू सडन अनप्रिडिक्टेबल चेंज, मतलब कोई चीज जिसकी, मतलब जो जिसकी आदत तो बदलने की, एकदम से बदल जाने की, तो उसको हम कहते हैं मर्क्यूरियल, MERCURIAL, मर्क्यूरियल। जैसे एग्जांपल दूंगी और आपको और क्लियर हो जाएगा। हिज मर्क्यूरियल टेम्परामेंट, जैसे आपका कोई फ्रेंड है जो कभी एकदम से खुश होता है, कभी दुखी, कभी उदास, कभी नेगेटिव, कभी डिप्रेस, कभी एकदम से गुस्सा, तो उसका टेम्परामेंट है जो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, एकदम से चेंज हो जाता है। तो आप ये कह रहे हो हिज मर्क्यूरियल टेम्परामेंट या ही हैज अ मर्क्यूरियल टेम्परामेंट, क्लियर। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा वर्ड मर्क्यूरियल। तो चलिए, द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज पैनेजीरिक। पैनेजीरिक, PANEGYRIC, पैनेजीरिक। आई रिपीट, PANEGYRIC, पैनेजीरिक, यानी कि फॉर्मली एक्सप्रेसिंग प्रेज, मतलब जो आप फॉर्मल वे में एक्सप्रेस करते हैं प्रेज, किसी की तारीफ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पैनेजीरिक, PANEGYRIC, पैनेजीरिक। जैसे हिज पोइम्स आर चीफली पैनेजीरिक एंड लव सॉन्ग्स, मतलब जो उसकी पोइम्स हैं, ये जो पोएट है, ये जो पोइम्स लिखते हैं, उनकी पोइम्स अक्सर पैनेजीरिक होती हैं, या तो उसने प्रेज की होती है उसने, या फिर वो लव सॉन्ग्स होते हैं। सो पैनेजीरिक यानी कि, जैसे दिस इज अ पैनेजीरिक पोएम, मतलब जो ये पोएम है ये पैनेजीरिक है, इसमें प्रेज की गई है फॉर्मल वे में किसी चीज की, व्यक्ति की या किसी भी चीज की, क्लियर। तो पैनेजीरिक। तो चलिए, द एट्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज नोटोराइटी। नोटोराइटी, NOTORIETY, नोटोराइटी। नोटोराइटी, NOTORIETY, नोटोराइटी। नोटोराइटी यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग नोन फॉर सम अनफेवरेबल एक्ट और क्वालिटी। कोई व्यक्ति पॉपुलर है, उसे उसके बारे में सारे बात कर रहे, चर्चा कर रहे, किसी अनफेवरेबल वजह से, या किसी, मतलब जैसे होता है ना कि जो इतनी अच्छी वजह ना हो, उस वजह से किसी को, मतलब किसी के बारे में बात की जा रही है और वो पॉपुलर है, तो उसको हम कहते हैं नोटोराइटी, ठीक है। नोटोराइटी, NOTORIETY, क्या हो गया, नोटोराइटी। तो जैसे एग्जांपल दे देते हैं हम यहाँ पे, द सॉन्ग हैज गेन्ड सम नोटोराइटी इन द प्रेस, मतलब मीडिया में जैसे कोई गाना है उसके लव्स कुछ ऐसे हैं, वर्ड्स ऐसे हैं जो कि इतने अच्छे नहीं है, थोड़े से मतलब कि अनफेवरेबल है सोसाइटी को लेके या किसी भी चीज को लेके, तो उसको आप क्या कह रहे हो, द सॉन्ग हैज गेन्ड सम नोटोराइटी इन द प्रेस, मतलब उसको प्रेस के माइंड में हर वक्त वो मीडिया में इसलिए आई है बात, क्योंकि वो जो सॉन्ग है वो उसमें कुछ ऐसी चीजें जो अनफेवरेबल है। सो जैसे होता नहीं, कई चीजें अच्छी चीजों के लिए फेमस हो जाती है, कई चीजें कई बार गलत चीजों की वजह से फेमस हुई होती है, जानने में आती है, तो उसको हम कहते हैं नोटोराइटी, NOTORIETY, नोटोराइटी, क्लियर। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 200 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आपकी आसानी के लिए हमेशा की तरह जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं।
द फिफ्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज बॉक BALK बॉक द फिफ्थ वर्ड वॉज बॉक BALK बॉक यानी कि दोस्तों हेजिटेट और बी अनविलिंग टू एक्सेप्ट एन आइडिया और अंडरटेकिंग कोई चीज आप मानने से एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं डर तो नहीं रहे आप हेजिटेट कर रहे हैं हिचकिचा रहे हैं कोई चीज करने से एक्सेप्ट करने से तो उसको हम कहते हैं बॉक करना जैसे he balked an idea on जैसे होता नहीं कि चलो एक एग्जाम्पल मैंने दिया था he balked at such a dramatic solution मतलब एक ड्रामेटिक सोल्यूशन रखा टीम ने तो वो उसने थोड़ा हेजिटेशन दिखाई कि नहीं मुझे नहीं लगता है ठीक रहेगा सो कुछ हेजिटेशन दिखाना कोई चीज एक्सेप्ट करने से या मानने से तो उसको हम कहते हैं बॉक करना BALK बॉक क्लियर तो चलिए द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज मर्क्यूरियल मर्क्यूरियल जी हाँ दोस्तों MERCURIAL मर्क्यूरियल मर्क्यूरियल यानी कि बताया था liable to sudden unpredictable change कोई चीज जो एकदम से चेंज हो जाए उसकी आदत है हर वक्त चेंज होने की तो उसको हम कहते हैं mercurial 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 जैसे his mercurial temperament या he has a mercurial temperament कभी वो गुस्से में होता है कभी खुश होता है कभी उदास होता है कभी excited होता है तो एकदम से बदल जाते हैं उसके जो temperament है temper है clear तो उसको क्या कहते हैं हम he has a mercurial temperament clear तो चलिए the seventh word for the evening was panegyric 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 यानी कि दोस्तों formally expressing praise जब आप formally किसी चीज की तारीफ कर रहे हैं praise दिखा रहे हैं तो उसको हम कह रहे थे panegyric जैसे his poems are chiefly panegyric and love songs मतलब उसकी poem है poetry है वो अक्सर या तो प्रेज होती है किसी की तारीफ होती है या वो लव सॉन्ग्स होते हैं सो panegyric क्लियर आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर बट अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज रीच मी अभी के लिए द एथ वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज नोटोराइटी नोटोराइटी NOTORIETY नोटोराइटी नोटोराइटी यानी कि दोस्तों द स्टेट ऑफ बीइंग नोन फॉर सम अनफेवरेबल एक्ट और क्वालिटी कोई अनफेवरेबल कारण की वजह से किसी गलत चीज की वजह से आप कोई चीज है या आप हैं कोई भी है वो फेमस है नोन है बात हो रही है उनके बारे में तो उसको हम कहते हैं नोटोराइटी जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था द सॉन्ग हैज गेन्ड सम नोटोराइटी इन द प्रेस मतलब मीडिया में प्रेस में ये गाने को काफी उसकी बात हो रही है चर्चा हो रही है किसी गलत चीज की वजह से अनफेवरेबल चीज की वजह से सो हैज गेन्ड सम नोटोराइटी मतलब फेम बट इन अ नेगेटिव सेंस सो नोटोराइटी क्लियर NOTORIETY नोटोराइटी तो ये हो गए हमारे फोर वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 200 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज लेट मी टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग सेगमेंट्स यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा स्टे ट्यून्ड हैप्पी लर्निंग नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया आ गया मेरे रश्के कमर तूने पहले
पैड उस घाव जैसा है जो अचानक से आ जाता है, खास करके उनको जो मेरी तरह नेत्रहीन है। नमस्ते, मैं बिपिन और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सेवलॉन एंटीसेप्टिक अब ब्रेल बॉटल्स में आता है। सुनने के लिए धन्यवाद। अब म्यूजिक सुनिए। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 200 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 16 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो चलिए, लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द नाइन्थ वर्ड फॉर दिस इवनिंग। तो नौवां वर्ड इस शाम का जिंगोइज्म। जिंगोइज्म, JINGOISM, जिंगोइज्म, JINGOISM, जिंगोइज्म, यानी कि दोस्तों एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ एग्रेसिव और वॉरलाइक फॉरेन पॉलिसी। मतलब जैसे होता नहीं कि पेट्रियोटिज्म होना अच्छी बात है कि अपनी कंट्री के लिए भावना, प्यार, इज्जत होना बहुत अच्छी बात है, पर इस हद तक पेट्रियोटिज्म होना, इतने ज्यादा अपनी मतलब कंट्री के लिए इतना ज्यादा कट्टरपन होना कि आप किसी को मारने पर उतर रहे हैं, तोड़फोड़ पे उतर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं जिंगोइज्म, JINGOISM, जिंगोइज्म। क्लियर? सो एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। पेट्रियोटिज्म कैन टर्न इन टू जिंगोइज्म एंड इनटॉलरेंस वेरी क्विकली। मतलब जो पेट्रियोटिज्म है वो अगर आप ज्यादा ध्यान ना दें तो वो पेट्रियोटिज्म जिंगोइज्म में भी तब्दील हो सकता है। यानी कि अगर आप पेट्रियोटिज्म है आपने, दैट इज गुड कि आप अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, पर अगर आप उसकी वजह से किसी को हार्म कर रहे हैं, आप कटा रहे हैं कि अगर गलत भी है तो भी आप सही करने के लिए दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो वो जिंगोइज्म हो जाता है। सो पेट्रियोटिज्म कैन टर्न इनटू जिंगोइज्म एंड इनटॉलरेंस वेरी क्विकली। क्लियर? तो चलिए, आई होप आई हैव मेड myself क्लियर हियर। अगेन, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट क्लियर टू यू। अभी के लिए जो 10th वर्ड है शाम का वो है विट्रियल। विट्रियल, VITRIOL, विट्रियल, VITRIOL, विट्रियल, यानी कि जो दोस्तों बिटर क्रिटिसिज्म और मैलिस। किसी को बहुत बुरी तरीके से आप क्रिटिसिज्म करें, क्रिटिसाइज करें किसी के, बहुत ज्यादा आप जैसे होता है ना क्रिटिसिज्म करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं किसी चीज को, तो उसको हम कहते हैं विट्रियल, VITRIOL, विट्रियल। क्लियर? जैसे हिज फादर्स सडन गश ऑफ फ्यूरी एंड विट्रियल। मतलब जैसे आपने कुछ कहा और उसके फादर को गुस्सा आ गया और वो एकदम से क्रिटिसाइज करने लगे, गुस्सा करने लगे। सो एकदम से गश होता है, जैसे एक भाव आ जाना, पानी का जैसे भाव नहीं आ जाता, तो उसको कहते हैं गश। तो हिज फादर सडन गश ऑफ फ्यूरी एंड विट्रियल। विट्रियल यानी कि क्रिटिसिज्म, वो एकदम से गुस्सा हो गए, गुस्सा करने लगा, क्रिटिसाइज करने लगे। क्लियर? तो चलिए, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज बेइंग, BAYING, बेइंग। बेइंग यानी कि दोस्तों अटर डीप प्रोलॉन्ग्ड टोन्स लाइक डॉग्स और वुल्फ। जैसे डॉग्स और जो वुल्फ होते हैं वो लॉन्ग लॉन्ग आवाजें, जोर जोर की रोने की लंबी आवाजें निकालते हैं कई बार, तो उसको हम कहते हैं बेइंग। ठीक है, आपने भी कभी ना कभी सुनी होंगी, जैसे डॉग बहुत जोर की लंबा सा रो रहे खींच के, या वुल्फ जो होते हैं वो रो रहे, तो उसको हम कहते हैं बेइंग, BAYING, बेइंग। क्लियर? जैसे आई वॉज वेरी स्केयर्ड लास्ट नाइट एज द डॉग्स वर बेइंग। मतलब मुझे बहुत डर लगा रात को, बहुत डरा हुआ था मैं, क्योंकि जो डॉगी थे वो बहुत ज्यादा रो रहे थे, लंबा लंबा जैसे रोते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बेइंग, BAYING, बेइंग, BAYING लग गया, बेइंग। क्लियर? तो चलिए, जो 12th वर्ड है नाउ इस शाम का वो है हुडविंक। हुडविंक, जी हाँ दोस्तों, काफी अटपटा सा वर्ड है ये हुडविंक, HOODWINK, हुडविंक। हुडविंक यानी कि दोस्तों कंसील वंस ट्रू मोटिव्स फ्रॉम स्पेशली बाय, जैसे होता है एलैबोरेटली शोइंग गुड इंटेंशन सो एज टू गेन एन एंड। मतलब जैसे कोई अंदर से तो आपको मतलब कि आपको आपका बुरा ही चाहता है, पर वो ऊपर से दिखा रहा है जैसे कि उसको पता नहीं कितना ही आपका, कितना ही वो आपका भला चाहता है, वो कितना ही ज्यादा आपके लिए उसकी अच्छी इंटेंशन, अच्छी भावनाएं हैं, तो वैसे दिखा रहा है जस्ट बिकॉज उसे कोई आपसे काम है। होता ना कई लोग आपकी तारीफ करते हैं, वो कहते हैं आपसे अच्छा तो कोई हो नहीं सकता, क्यों वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपसे कोई काम है। अदरवाइज तो अंदर ही अंदर वो आपसे जलते हैं, आपसे गुस्सा आता है, उन्हें आपका बुरा चाहते हैं, तो वो हो जाता है हुडविंक, धोखा देते हैं वो आपको अंदर ही अंदर, तो उसको हम कहते हैं हुडविंक। क्लियर? जैसे Rather than being hoodwinked, I would endure anything. मतलब मैं हर चीज सह सकता हूँ पर
हुडविंग होना नहीं, मतलब कि कोई मुझे ऊपर से बोला कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से करते हो, ये है वो है, बट अंदर से ही वो आपको आपकी बहुत ज्यादा जैसे होता है ना आपकी बदनामी कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा गालियां दे रहे हैं, तो वो होता है आपको डिसीव कर रहा है एक तरीके से, धोखा दे रहा है कि मुंह पे अच्छा बन रहा है वैसे अच्छा नहीं है। सो आई कैन एंड्योर एवरीथिंग बट गेटिंग हुडविंक्ड, मतलब हर चीज सह सकता हूँ पर धोखा नहीं सह सकता, सो आई कांट बेयर हुडविंक, क्लियर। तो चलिए ये हो गए हमारे फोर वर्ड्स इस थर्ड सेगमेंट के, इस 200 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज के, एंड आई होप आपको ये चारों के चारों वर्ड्स काफी इंटरेस्टिंग लगे होंगे। तो आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप तो बनता ही है। द नाइन्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज जिंगोइज्म, जिंगोइज्म, JINGOISM, जिंगोइज्म, JINGOISM, जिंगोइज्म, यानी कि दोस्तों एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ एग्रेसिव और वॉर लाइक फॉरेन पॉलिसी, मतलब जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज पेट्रियोटिक है, बहुत ज्यादा पेट्रियोटिज्म है आप में, आप देशभक्त हैं, आपकी देशभक्ति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, देशभक्त होना चाहिए, पर इतना देशभक्त होना कि आप बहुत कट्टर हो जाएं, मारने पीटने पे उतर जाएं, तो वो हो जाता है जिंगोइज्म, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, पेट्रियोटिज्म कैन टर्न इंटू जिंगोइज्म एंड इनटॉलरेंस वेरी क्विकली, मतलब किसी हद तक आप अपने देश को प्यार करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, बहुत अच्छी बात है, पर आप इतने हद तक करने लग जाएं कि आपको आप कुछ कुछ बोलने लगे, लोगों को पीटने लगे, मारने लगे, गलत काम करने लगे, तो वो हो जाता है जिंगोइज्म, दैट इज नॉट पेट्रियोटिज्म, दैट इज जिंगोइज्म, क्लियर। तो चलिए अगेन, द टेंथ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज विट्रियल, VITRIOL, विट्रियल, आई रिपीट, VITRIOL, विट्रियल, यानी कि बताया था मैंने आपको बिटर क्रिटिसिज्म और मैलेस, जब आप किसी को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा सुनाते हैं, तो उसको हम कह देते हैं विट्रियल करना, VITRIOL, विट्रियल, जैसे हिज फादर सडन गश ऑफ फ्यूरी एंड विट्रियल, मतलब उसके फादर को एकदम से गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बहुत ज्यादा चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे और साथ ही क्रिटिसाइज करने लगे, सो क्रिटिसाइज करना, ठीक है, तो विट्रियल, VITRIOL, विट्रियल। तो चलिए, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज बेइंग, BAYING, बेइंग, यानी कि दोस्तों बताया था मैंने आपको अटर इन डीप प्रोलॉन्ग्ड टोन्स लाइक डॉग्स और वुल्फ, मतलब जो डॉग्स और वुल्फ करते हैं बहुत लंबी लंबी रोते हैं, चीखते हैं, लंबी लंबी रोते हैं, आपने सुना होगा कभी ना कभी, तो उसको हम कहते हैं बेइंग करना, बे करना, ठीक है, तो इंग हो गया तो वो कंटिन्यूज हो गया, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, आई वॉज वेरी स्केर्ड लास्ट नाइट बिकॉज द डॉग्स वर बेइंग, मतलब मुझे रात को बहुत डर लगा, मैं बहुत डर गया था क्योंकि जो डॉगी थे वो बहुत रो रहे थे, सो दे वर बेइंग, क्लियर। तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज हुडविंक, हुडविंक, HOODWINK, हुडविंक, यानी कि दोस्तों कंसील वन्स ट्रू मोटिव्स फ्रॉम स्पेशली बाय इलैबोरेटली शोइंग गुड इंटेंशन सो एज टू गेन समथिंग, मतलब कोई छुपा रहा है अपने जो ट्रू इंटेंशन है वो छुपा रहा है, अच्छा बन के दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि वो आपसे कुछ चाहता है, तो उसको हम कहते हैं हुडविंक करना, जैसे आपको किसी से काम है पर आपको वो व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप मुंह पे उसके लिए बहुत अच्छे बनते हो, आप उसकी तारीफ करते हो, उसको हर वक्त मक्खन लगाते हो, पर अंदर ही अंदर आपको उस पर गुस्सा आता है, आप उससे नफरत करते हो, जस्ट अपना काम करवाने के लिए आप उसे ऐसा कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं हुडविंक करना, आप किसी को हुडविंक करो दैट मीन्स उनके मुंह पे अच्छे बन रहे हो पर अदरवाइज आप उनका कुछ भी भला नहीं चाहते हो, तो उसको हम कहते हैं हुडविंक, जैसे रादर देन बीइंग हुडविंक्ड आई वुड इंड्योर एनीथिंग, मतलब मुझे हर चीज सहना ठीक है, मैं सह सकता हूँ हर चीज, बट मुझे धोखा पसंद नहीं है कि मुंह पे कोई अच्छा बने और अंदर ही अंदर उसे आप पे गुस्सा हो या दुश्मनी हो, सो दैट इज व्हाट वी कॉल हुडविंक, HOODWINK, हुडविंक, ठीक है, क्लियर, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। तो चलिए, तो दोस्तों ये हो गए हमारे फोर वर्ड्स इस थर्ड सेगमेंट के, तो अभी के लिए मैं ले लेती हूँ ब्रेक और मिलूंगी ब्रेक के तुरंत उस पर, सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, मिलती हूँ ब्रेक के उस। परिंदे यूं अब के उड़ा कर तू, जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू, ए परिंदे भर ऐसी उड़ान है तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों, धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं के इन हवाओं
आस तेरी यारी है, उड़ जा अब तेरी है तेरा बेफिकर मौज तू के अब तेरी मुट्ठी में दुनिया सारी है, उड़ जा अब तेरी जला सूरज को जाके आसमां पे तू है परिंदे पर ऐसी उड़ान है तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों, धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं के इन हवाओं से तेरी यारी है। Samarthanam Trust for the Disabled. Working by and for persons with disabilities. Empowered thousands of persons with disabilities since 1997. Creating new opportunities for employment, education and skill development through the training courses. Samarthanam Trust for the Disabled, backbone of Indian Blind Cricket Team. Loves nature and preserving it. Working in 6 states with more than 500 employees, making persons with disability financially and economically stable. For more info, log on to www.samarthanam.org or you can send mail to support@samarthanam.org or info@samarthanam.org. Samarthanam Trust for the Disabled dreams and works towards providing an inclusive society to persons with disability. So, dosto, now we are in the fourth segment of this 200 episode of Vocabulary Dose, and today we are again talking about 16 very important words. So, chaliye, let us move further towards the 13th word of this evening. So, 13th word is shaam ka tangential. Tangential. T-A-N-G-E-N-T-I-A-L. Tangential. I repeat, T-A-N-G-E-N-T-I-A-L. Tangential. Yani ki, dosto, of superficial relevance. If any, मतलब जैसे going off topic, मतलब कोई चीज जो मतलब टॉपिक से हट रहा है, कोई बात कर रहे हैं मुद्दे से कोई चीज हट रही है, तो उसको आप कहते हैं tangential, T-A-N-G-E-N-T-I-A-L, tangential, जैसे it was a tangential remark, मतलब बात कर रहे थे हम साइंस की और वहां पे बात होने लगी एकदम से कार्टून्स की, तो वो it was a tangential remark, तो tangential यानी कि मुद्दे से बिल्कुल उल्ट, तो tangential, क्लियर, T-A-N-G-E-N-T-I-A-L, tangential. तो चलिए, the 14th word for the evening is chicanery. इसकी pronunciation थोड़ी सी अटपटी है, chicanery. C-H-I-C-A-N-E-R-Y, chicanery. Chicanery, C-H-I-C-A-N-E-R-Y, chicanery. यानि कि दोस्तों, the use of tricks to deceive someone, usually to extract money from them. किसी को धोखा देना, trick करके,
ताकि हम उनसे पैसे ले सके, तो उसको हम कहते हैं शिकेनरी, CHICANERY, शिकेनरी। जैसे स्टोरी लाइन पैक्ड विद पॉलिटिकल शिकेनरी, मतलब जैसे जितनी भी आजकल मूवीज हैं, बुक्स हैं, उनमें स्टोरी लाइन्स क्या है ज्यादा से ज्यादा किस बारे में, पॉलिटिकल शिकेनरी की, किस तरीके से पॉलिटिशियंस पैसा लूट लेते हैं, कैसे ट्रिक कर लेते हैं लोगों को, ऑडियंस को या फिर जितनी भी जनता है उनको। तो शिकेनरी, शिकेनरी यानी कि आप किसी को ट्रिक कर लें, यानी कि आप किसी को धोखा दे दें अपनी बातों में, किसी भी तरीके से धोखा दे दें पैसे हिंटने के लिए उनसे, तो शिकेनरी, CHICANERY, शिकेनरी। तो चलिए द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज मैवरिक। ये एक अच्छा वर्ड है मैवरिक, MAVERICK, मैवरिक, MAVERICK, मैवरिक, यानी कि इंडिपेंडेंट इन बिहेवियर और थॉट। कोई व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट है अपने बिहेवियर में और थॉट में, तो उसको हम कहते हैं मैवरिक। तो यहाँ बिहेवियर और थॉट में इंडिपेंडेंट होना, यानी कि जिसपे किसी व्यक्ति का असर नहीं पड़ता, वो इन्फ्लुएंस में नहीं आता, वो अपने हिसाब से जो उसको सही लगता है इंडिपेंडेंटली वो थॉट सोचता है, विचार करता है और बिहेवियर भी उसका वैसा ही है। सो ही इज अ मैवरिक, MAVERICK, मैवरिक। जैसे ही इज अ मैवरिक पर्सन, या आई लाइक मैवरिक पॉलिटिशियंस, मतलब ऐसे पॉलिटिशियंस, या यू कहूं पॉलिटिशियंस नहीं, लीडर्स, आई लाइक मैवरिक लीडर्स, मतलब जो जिन पे ऐसे नहीं कि आप किसी कोई भी उनको आके उल्लू बनाया जाए, इन्फ्लुएंस कर जाए, वो अपने इंडिपेंडेंट अपनी बिहेवियर रहता है उनका और थॉट प्रोसेस रहता है, सो दे आर मैवरिक, ठीक है, MAVERICK, मैवरिक। तो चलिए 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज फल्मिनेट। फल्मिनेट, जी हाँ दोस्तों, फल्मिनेट, FULMINATE, फल्मिनेट, FULMINATE, फल्मिनेट, यानी कि क्रिटिसाइज सीवियरली, किसी को बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करना, तो उसको हम कह देते हैं फल्मिनेट, FULMINATE, फल्मिनेट। जैसे द एडिटोरियल फल्मिनेटेड अगेंस्ट द प्रपोज्ड टैक्स इंक्रीज, मतलब जो एडिटोरियल था, आर्टिकल था, उसने फल्मिनेटेड किया, मतलब यानी कि उसने क्रिटिसाइज किया बहुत बुरी तरीके से जो प्रपोजल रखा गया है टैक्स इंक्रीज का, कि इंक्रीज किया जाएगा टैक्स, ठीक है। तो समझ आया आपको, क्लियर हुआ, आई होप हो गया होगा। तो ये वर्ड था फल्मिनेट, FULMINATE, फल्मिनेट, फल्मिनेट यानी कि क्रिटिसाइज Really. तो ये हो गए हमारे 4 words for the 4th segment of this 200 episode of vocabulary tours. तो जल्दी से एक recap ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो चलिए the 13th word for the evening was tangential. Tangential, 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 यानी कि दोस्तों of superficial relevance or going off topic, मतलब कोई चीज जो मुद्दे से हट रही है, मुद्दे से हट के जा रही है, तो उसको आप कहते हो tangential, TANGENTIAL, tangential। जैसे it was a tangential remark, मतलब एक वो remark था जो tangential था, कि मतलब मुद्दे से, जैसे बात चल रही है साइंस की, टेक्नोलॉजी की, और वहां पे कोई कार्टून पे रिमार्क दे रहा है, तो दैट इज रियली टेंजेंशियल, कि बिल्कुल मुद्दे से हटके, ठीक है, क्लियर। तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज वेल, इसकी जो मैंने बताया था प्रोनंसिएशन थोड़ी सी अटपटी है, पर मुझे बिल्कुल पता है कि आप भी कर लेंगे, शिकेनरी था, शिकेनरी, ठीक है, शिकेनरी, CHICANERY, शिकेनरी, CHICANERY, chicanery, यानी कि the use of tricks to deceive someone, usually to extract money from them. Yeah, दोस्तों, the use of tricks to deceive someone, usually to extract money from them, यानी कि किसी को जब आप अपनी बातों में लाके ट्रिक करके उन्हें बेवकूफ बना के धोखा देके उनसे पैसे हिंटने की कोशिश करते हो, तो उसको हम कहते हैं शिकेनरी, CHICANERY, शिकेनरी, क्लियर। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी, स्टोरी लाइन्स आर टैग्ड विद पॉलिटिकल शिकेनरी, मतलब आजकल जितनी भी चाहे मूवीज ले लो, बुक्स ले लो, वो ज्यादातर शिकेनरी पे, मतलब यानी कि उसमें बात की गई है कैसे पॉलिटिशियंस पैसे हेंटने के लिए लोगों से, जनता से उन्हें बेवकूफ बनाते हैं, ट्रिक्स में उन्हें फंसा लेते हैं, धोखा देते हैं, सो शिकेनरी, क्लियर, CHICANERY, शिकेनरी। तो चलिए 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज वेल, कहा था मैंने कि ये वर्ड एक अच्छा वर्ड है, मैवरिक, MAVERICK, मैवरिक, MAVERICK, मैवरिक। तो मैवरिक का मतलब मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट इन बिहेवियर और थॉट, कोई व्यक्ति जो अपने बिहेवियर और थॉट में इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सोचता है, इंडिपेंडेंटली
बिहेव करता है, किसी की बातों में नहीं आता, इन्फ्लुएंस में नहीं आता, तो उसको हम कहते हैं मैवरिक। जैसे आई लाइक मैवरिक लीडर्स, मतलब ऐसे लीडर्स जो अपनी सोच उनकी इंडिपेंडेंट है, उनके जो बिहेवियर है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी की बातों में नहीं आते, इन्फ्लुएंस नहीं होते, तो वी कॉल इट मैवरिक, MAVERICK, मैवरिक। ठीक है, क्लियर? तो आई लाइक मैवरिक लीडर्स। तो चलिए, द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज फल्मिनेट। फल्मिनेट, FULMINATE, फल्मिनेट। आई रिपीट, FULMINATE, फल्मिनेट। यानी कि दोस्तों, क्रिटिसाइज करना सीवियरली, किसी चीज को आप बुरी तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, तो उसको हम कहते हैं फल्मिनेट करना। जैसे द एडिटोरियल फल्मिनेटेड अगेंस्ट द प्रपोज्ड टैक्स इंक्रीज। जो एडिटोरियल था उसने फल्मिनेट किया, यानी कि उसने क्रिटिसाइज किया बुरी तरीके से जो प्रपोजल रखा गया टैक्स इंक्रीज करने के लिए। तो जो इंक्रीज करने की बात की जा रही है कि टैक्स को इंक्रीज किया जाएगा, उस पर जो आर्टिकल छपा उस आर्टिकल ने क्रिटिसाइज किया बुरी तरीके से। सो द आर्टिकल और द एडिटोरियल हैज फल्मिनेटेड, FULMINATED, फल्मिनेटेड। क्लियर? तो दोस्तों, दीज वर द फोर वर्ड्स फॉर द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 200 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो चलिए, मैं जल्दी से एक ब्रेक लेती हूँ और लौटती हूँ लास्ट सेगमेंट में। बने रहिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग।
मित्र ज्योति, दृष्टि बाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना लाल है, मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। मैं मित्र ज्योति के टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की सदस्य हूँ। इस पुस्तकालय के ऑडियो सीडियो के बिना मेरे लिए हायर स्टडीज करना बहुत मुश्किल होता। मेरा नाम वरुण है, मैं मैसूर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ किया है। बहुत सारी कंपनियां मित्र ज्योति के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित कर रही है और हमें हायर भी कर रही है। इससे हमें औरों की तरह काम करने का विश्वास मिलता है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। तो दोस्तों, वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 200 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो इस साल यानी कि 2021 का ये पहला एपिसोड है। तो ये आपको कैसा लगा और ये 16 वर्ड्स आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। मेरी कोशिश रहती है कि हर एपिसोड में कुछ ऐसे 16 वर्ड्स लाऊं जो ज्यादा यूज होते हैं, इम्पॉर्टेंट है और हमें पता होने चाहिए। वैसे तो दोस्तों, इंग्लिश जो वोकैबुलरी है बहुत ही ज्यादा वास्ट है, एंडलेस है, नए वर्ड्स हर समय आते रहते हैं। तो इट्स ऑलवेज गुड टू इनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो मुझे अच्छा लगता है कि बहुत से आप में से लिसनर्स हैं जो आपको हमें फीडबैक भेजते हैं, अपने व्यूज कभी सेंटेंस बना के भी भेजते हैं, विच इज वेरी गुड। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी वर्ड आज के भी आपको बिल्कुल समझ आ गए होंगे। पर फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरीज, यू कैन ऑलवेज रीच मी। एंड फॉर योर फीडबैक्स आल्सो यू कैन रीच मी। आवर वेबसाइट इज www.radiouran.com। साथ ही दोस्तों, आप मुझे ट्विटर हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा रेडियो उड़ान का ट्विटर हैंडल है रेडियो उड़ान। साथ ही फेसबुक पेज भी है रेडियो उड़ान के नाम से। और अगर आप हम स्काइप पे मैसेज करना चाहते हैं तो स्काइप आईडी भी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। और आप हमें मेल भी कर सकते हैं रेडियो उड़ान की आईडी पे, जो कि है mail@radiouran.com, mail@radiouran.com। फाइनली दोस्तों, अगर आप मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को डायरेक्टली मैसेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मेरा स्काइप आईडी है divya31s, divya31s। और साथ ही जो मेरा ईमेल आईडी है वो है divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। और दोस्तों, अगर आपने कोई भी एपिसोड मिस कर दिया वोकैबुलरी डोज का, घबराइए मत, क्योंकि रेडियो उड़ान जो है अपना जो चैनल है रेडियो उड़ान का, उस पर आपको सभी एपिसोड्स मिल जाएंगे। तो यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी एपिसोड किसी भी शो का आप मिस ना करें। और वहां पे 200 के 200 एपिसोड्स आपको वोकैबुलरी डोज के मिल जाएंगे और आप सभी एपिसोड्स रिपीटेडली जितनी बार चाहें सुन सकते हैं। वहां अपने कमेंट्स भी कमेंट एरिया में देना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये आज के 16 वर्ड आपको कैसे लगे बताइएगा। और अगर आपने कोई रेजोल्यूशन सोचा है 2021 का, चाहे वो इंग्लिश से रिलेटेड हो, वोकैबुलरी से रिलेटेड हो, या जैसा भी हो, जरूर शेयर कीजिएगा और मैं जरूर आपका जवाब दूंगी नेक्स्ट जो आने वाले वीक है उनमें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये शो अच्छा लगता है और आप सीखते हैं, सीखने को मिलता है आपको। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर 2021 एंड आई विश यू अगेन अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर 2021। स्टे सेफ, कीप लर्निंग, स्टे पॉजिटिव। मैं लेती हूँ अब इजाजत, मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो वन, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मैं आरजे दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम न्यानंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। गुड लक, स्टे हैप्पी। देख तो भिड़ के देख, फिर ख्वाबों पे।
माथे लगा मिट्टी माथे पर वो बस लकीर है लिखी है जो हाथों पर वो बस लकीर है लिखनी आसमानों पर अपनी तकदीर है पूछा है उसने तुझसे साया न कर ये मौका छीन ले अपनी किस्मत है किसने तुझको रोका अपनी कमजोरियों की हर हद लगा मिट्टी माथे